की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। आखिर में क्या अपडेट है, तो दरअसल हुआ क्या है, आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी है रेलवे की कोच में भी आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। ताज़ा मामले रोहतक रेलवे स्टेशन का सामने आया है, जहां दिल्ली के लिए आने वाली मेमू ट्रेन 3 बोगी में आग लगने की सूचना मिली। आग इतनी तेज़ी से लगी थी कि तीनों बोगियां जलकर राख हो गई। घटना की पुष्टि उत्तर रेलवे अधिकारियों ने भी की थी। जानकारी के मुताबिक मेमू ट्रेन रोहतक से दिल्ली के लिए शाम 4:10 पर रवाना होनी थी, लेकिन 2:10 पर इस ट्रेन में अचानक से आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत वाली मेमू ट्रेन में आग की घटना की सूचना दोपहर 2:10 पर मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना की गई और 2:20 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया है कि प्लेटफार्म नंबर 1 से 1 के साथ लगी लाइन्स में इन मेमू ट्रेनों में आग की घटना आई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। उधर संभावना जताई जा रही है कि आग की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। वहीं अच्छी बात यह है कि जिस वक्त ट्रेन में आग लगी, ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना और ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।